मथुरा के कस्बा कोसी कला में पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ को लेकर एक रैली निकाली गई। इसी नारे को संकल्पित करते हुए नगर के सभी प्रमुख स्कूलों एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत बनाने की पहल में बच्चों के साथ पदयात्रा निकाली गई। बच्चों की पदयात्रा सुबह 8 बजे नगरपालिका कोसी कला से घंटाघर से मेन बाजार होते हुए बलदेवगंज पहुंची और बलदेवगंज विद्या मंदिर मामई पर माधव सभागार में सभा पूर्ण की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि चौधरी लक्ष्मी नारायण सहित रैली आयोजक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भतीजे विनोद शुक्ल, तरुण सेठ, कमल किशोर वार्षणे, अजय कुमार, देवीराम गर्ग हवेलिया, धर्मवीर अग्रवाल, कोसी नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सहित समाज के गणमान्य व्यक्ति व बच्चों के उत्साहवर्धन करते हुए साथ चले। लोगों ने प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत का आह्वान किया, जिसमें करीब कोसी कला के 6 से 7 विद्यालयों ने भाग लिया और उनके द्वारा सभी लोगों को ये संकल्प दिलाया गया कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में वे सहयोग करें। इस रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। रैली समाप्त होने के बाद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्कूलों के कंपटीशन भी कराए गए और इसी के साथ प्रोग्राम संपन्न किया गया। सभी लोगों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, हमारे विनोद शुक्ला जी के द्वारा और नगर पालिका परिषद कोसी कला को साथ लेकर पूरे शहर में शुक्रवार ये प्लास्टिक कचरा को बंद कराने के लिए और कोसी कला शहर को स्वच्छ रखने के लिए बड़े अच्छे से आयोजन के लिए सब लोगों को समझाया है। पूरे शहर में जगह जगह चौराहे पर ये संबोधन किया गया है कि प्लास्टिक को बंद करना होगा क्योंकि जीवन के लिए खतरा बन गई है। विनोद शुक्ला जी ने और मैंने भी और हमारे अन्य समाजसेवियों ने बड़े अच्छे से समझाया है। बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। मैं यही संदेश और यही मैं निवेदन करूँगा अपने शहरवासियों को कि कोसी को स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए, प्लास्टिक को कचरे को रोकें और जो प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उसको रिसाइकिल करने के लिए एक जगह इकट्ठा करें। और हमने जो 2 डस्टबिन दिए हैं, एक बिना कचरा के लिए, एक सूखे कचरे के लिए, उन्हीं में अपना कचरा एकत्रित करें और जो हमारे ट्रैक्टर और गाड़ियाँ उसको चल रही है और हम बाकी स्टार्ट करने वाले हैं उन्हीं में डालें। व्यापार मंडल से क्या कहना चाहोगे जो कि बाजार में पॉलिथीन या उपयोग में लाई जा रही है? मैं ये कहना चाहूँगा, ये निवेदन करता हूँ कि बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम पूरा नहीं होता। व्यापार मंडल में और व्यापार भाइयों से हमने ये निवेदन किया है कि आप प्लास्टिक को बंद करें, क्योंकि पहले हम निवेदन करते हैं फिर उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। यदि जो दुकानदार भाई हमारा जो सहयोग कर रहे हैं बहुत धन्यवाद, तो नहीं मानेंगे तो हम उनको चालान काटेंगे क्योंकि सरकार का सख्त आदेश है। इसलिए मैं व्यापारी भाइयों से निवेदन करूंगा कि प्लास्टिक को बंद करें और हमारा सहयोग करें, जनता का सहयोग, आदर्श नगर के रूप में इसकी स्थापना करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चेयरमैन साहब का कि ये पूरी रैली में हमारे साथ शामिल हुए और इन्होंने उत्साह के साथ पूरे जन जागरण का अभियान हमारे साथ चलाया। मैं अपने मंच के और पदाधिकारियों की तरफ से, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद देता हूँ। पंडित दीनदयाल स्मृति मंच और स्वामी विवेकानंद जन जागृति मंच के द्वारा एक संयुक्त रैली लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए माननीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद शुक्ला जी श्री जी निकाली गई। और माननीय श्री शुक्ला जी ने जो अपना प्रयास किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सीखा और हमने चलाया आने वाले फ्यूचर को, बच्चों के जो भविष्य है उनको बनाने के लिए नहीं चलाया, इसके लिए हम उनके साथ हमेशा रहे।